हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों आ चुके हम नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में हम जानेंगे एलडीआर के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, एलडीआर कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, एलडीआर होता क्या है, कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा एलडीआर, तो जो इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। दोस्तों ये एक रजिस्टर होता है, ठीक है, जो कि हमारा लाइट पर डिपेंड करता है, यानी जो इसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स, जो इसके ओम्स होते हैं वो लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब लाइट हमारा ज़्यादा होगा तब बढ़ेगा, या फिर लाइट के हिसाब से ही कम या ज़्यादा होगा, ठीक है। दोस्तों जो हमारी एलडीआर होती हैं, इसके दो लेग होते हैं, ठीक है, और जब इसके ऊपर फोकस पड़ता है फ्रेंड्स, थोड़ी सी जो लाइट पड़ती है, तो इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती है या फिर घटती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका है। अब फ्रेंड्स इसका कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं। और फ्रेंड्स इससे आप कई प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, जैसे फायर अलार्म हो गया, जो सिक्योरिटी अलार्म होते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरह के जो अलार्म होते हैं उनको आप इस एलडीआर की मदद से आसानी से बना सकते हैं, इसको यूज में ले सकते हैं। तो इसके अंदर से हम एक एलडीआर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा एलडीआर है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ इस तरीके की आकृति बनी होती है, इसके दो लेग होते हैं, ठीक है, जिससे हमारी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है फ्रेंड्स अप डाउन होती है और आउटपुट हमें यहाँ पे मिलता है। अभी आपको एक बार मल्टीमीटर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू अप और डाउन होती है, ठीक है। तो हमने ले लिया मल्टीमीटर, इसको हम सेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ जो रेंज होती है ना रेजिस्टेंस की, ओम्स की, यहाँ पे देख सकते हैं ओम्स बना हुआ है, तो हम इस पर 2000 पे इसको सेट कर लेते हैं। अब इसके ये प्रॉब हैं दो। अब ये जो हमारी एलडीआर है फ्रेंड्स, इसकी एक लेग किसी भी प्रॉब पे लगा देनी है आपको, दूसरी लेग किसी भी प्रॉब पे लगा देनी है। अभी आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा हमें, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा होगी, इसलिए हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। अभी 20 ओम्स पे करके देख 20 किलो ओम पे करके देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, इसके अंदर कुछ वैल्यू देखने को आपको मिल रही होगी, ठीक है। तो इसको हम सुविधा अनुसार पकड़ लेते हैं पहले, जिससे आपको दिखाने में और बताने में आसानी हो। तो इस तरीके से हमने एलडीआर को पकड़ लिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 8 किलो ओम्स रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स जब इसके ऊपर मैं उंगली रखने जाऊँगा तो देखना धीरे धीरे जो इसकी वैल्यू है वो बढ़ते जाएगी, ठीक है। मतलब जैसे इसके आगे अंधेरा आएगा इसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी, ठीक है। दोस्तों अभी देखना आप लोग प्रैक्टिकल, देख सकते हैं 10 किलो ओम हो गया, 12, 13, 14, 15, 16, 17, लास्ट वैल्यू जो थी इसकी 20 किलो ओम फ्रेंड्स वहाँ तक पहुँच चुका था, इसलिए हमें कुछ शो नहीं हो रहा था। एक वैल्यू बढ़ा देते हैं, 200 के पे कर लेते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं 8.8 किलो ओम्स है, ठीक है। अब धीरे धीरे हम इसके आगे उंगली करते हैं, यानी इसको अंधेरा, इसके आगे अंधेरा करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है फ्रेंड्स वो बढ़ते जाएगी, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बढ़ते जाएगी। इसकी वैल्यू देख रहे हैं आप लोग बढ़ रही है धीरे धीरे, देख सकते हैं फ्रेंड्स 20 पार हो चुकी है, 26 हो गया, 40, 67, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना हाईफाई हो गया इसके ऊपर रेजिस्टेंस। अब हमने इसको पूरा ढक लिया है फ्रेंड्स, पूरा ढक लिया है, देख सकते हैं आप लोग। तो जो इसकी वैल्यू है, एक मिनट दोस्तों, हाँ अभी आप लोग देख सकते हैं इसको हमने पूरा ढक लिया है, तो दो इसका वैल्यू आता है फ्रेंड्स 200 किलो ओम्स, उससे भी पार जा चुका है। अब धीरे धीरे हम उंगली इसके ऊपर से हटा रहे हैं, देख सकते हैं इसकी वैल्यू जो है। अब फ्रेंड्स इसके ऊपर से हम धीरे धीरे उंगली को हटाएंगे, और इसके बाद आप लोग देखना इसका जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा, यानी इसके ऊपर जैसे जैसे लाइट पड़ेगी इसका रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया। और वही इसके ऊपर अगर हम लाइट मारें तो इसकी जो वैल्यू और कम हो जाएगी दोस्तों। अभी देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू हमें देखने को मिल रही है 10 किलो ओम्स देखने को मिल रही है फ्रेंड्स। हमने एक टॉर्च बनाया था फ्रेंड्स, इसके फोकस चीज़ के ऊपर हम करते हैं, तब देखना इसकी जो वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। टॉर्च को हमने ऑन कर लिया है, अब इसके ऊपर धीरे धीरे लाइट मारते हैं हम।
देख सकते हैं दोस्तों, इसकी जो वैल्यू कम होते जा रही है। देखिए फ्रेंड्स, एकदम पास लेके आते हैं हम। देख सकते हैं दोस्तों, 1.6 किलो ओम्स के आसपास आ चुका है। अभी देख सकते हैं दोस्तों, ये ओम्स में आ चुकी है रीडिंग। इसको हमने 2000 ओम्स में कर दिया है सेट। अब इसके ऊपर फोकस मारते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अभी रीडिंग नहीं आ रही है क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 2000 ओम्स से ज़्यादा है, यानी 2 किलो ओम्स से ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लाइट मारते हैं, तब देखना इसकी जो वैल्यू कम होती जाएगी। देख सकते हैं दोस्तों, ये ओम्स में रीडिंग आ चुकी है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे आ रहा है 770-772 के आसपास ओम्स। यानी इस तरीके से लाइट के हिसाब से रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करता है। अब इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। एक हमने बैटरी ले ली है जिसके अंदर अभी चार्जिंग है 3.8 वोल्ट। एक हमारे पास LED है और एक है LDR। तो LDR एक रेजिस्टेंस का काम करेगा कि जो हमारे LED होते हैं लगभग 3. ये ग्रीन LED फ्रेंड्स हमारा 3.3 वोल्ट पे अच्छे से वर्क करता है और लास्ट 5 वोल्ट तक ये झेल जाता है, ठीक है। अभी हमारे पास LDR है, इसको किसी भी एक लेग पे बैटरी के लगा देते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं लग चुका है। अभी हमारे पास LED है, इसको भी इसके ऊपर लगा देते हैं। ये हमारा पॉजिटिव है तो इधर हमें पॉजिटिव LDR के साइड में पॉजिटिव लगाना होगा। तो ये लग चुका है। अभी लास्ट वाला जो वायर बचा माइनस का, वो भी हम इस पे लगा देते हैं LED के माइनस पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो LED हमारी ग्लो होने लग गई है, लेकिन बहुत कम हो रही है। अभी हम इसको पूरा ढक देंगे LDR। देखना दोस्तों आप लोग, अभी आप लोग गौर करना LED के ऊपर। जब हम LDR को ढकेंगे तो इसकी जो रोशनी है वो बिल्कुल कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। LED जो हमारी बंद हो जाएगी, देख सकते हैं धीरे धीरे इसकी कम हो रही है। मैं आपको सही से दिखाता हूँ, देख सकते हैं अभी रोशनी सही हो रही है। अभी देख सकते हैं दोस्तों, जो इसकी रोशनी बहुत कम हो गई। अगर इसको हम पूरा ढक लें तो हमारी LED बंद भी हो जाएगी। देख सकते हैं दोस्तों, बंद हो गई LED, अभी जल रही है। अब देखना है, देख सकते हैं दोस्तों कैसे धीरे धीरे कम हो गई, ठीक है। अभी LED की आप लोग रोशनी देख सकते हैं। अभी इसके ऊपर हम टॉर्च मारते हैं, तब देखना इसकी जो ब्राइटनेस है वो बढ़ जाएगी। आपको इस तरीके से दिखाता हूँ दोस्तों, जिससे आपको सही से दिखाई भी दे। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। अब इसके ऊपर हम धीरे धीरे टॉर्च लेके आते हैं, दूर है भी। अभी LED की ब्राइटनेस देख रहे हैं आप लोग। अब धीरे धीरे टॉर्च हम लेके आ रहे हैं पास में, देख सकते हैं फ्रेंड्स इसकी ब्राइटनेस कितना ब्राइट हो चुका है हमारी LED। और जैसे जैसे टॉर्च दूर जाएगा LED की ब्राइटनेस कम होती जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम LDR का यूज कर सकते हैं, जो कि हमारी लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी इसके ऊपर लाइट तेज पड़ेगी उतना जो ये रेजिस्टेंस है वो कम करेगा या फिर जीरो कर देगा। जीरो तो नहीं करेगा फ्रेंड, कुछ ओम्स कर देगा, जिसकी वजह से जो हमारी करंट आगे पास होता जाएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से आप किसी प्रोजेक्ट को बना सकते हैं LDR की मदद से। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो कर दें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।